ऐसा बोलते हैं, पर जितना भी अपन फ़ोन पे बात कर लो और साथ में रह लो उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। पर जितना भी अभी तक मैंने उनको फ़ोन पे जाना है, सब करा है, जितनी बातें की है उनसे, तो उनका सबसे अच्छा नेचर है। नहीं, उन्होंने मुझे कोई चीज़ से रोका नहीं है। मतलब वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पर भी आऊँ, मतलब वहाँ पर भी जाऊँ, तो वो बोलते हैं कि आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे रख करना, आपको पढ़ाई स्टडी आगे कंटिन्यू करनी है या फिर जो भी दूसरे आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिए। बस इतना है कि जैसा मैं रहूँ, मतलब उनको भी उनकी फ्रीडम, मेरे को भी मेरी फ्रीडम, बस ऐसी। अच्छी लगी थी जब बात वगैरह जब होने लग गए तो फिर समझ में और अच्छी लगने लगी। फिर फ़ोन पे ज़्यादातर मैसेज श्रद्धा के आते थे, मैं सिर्फ थम्सअप थम्सडाउन ही भेजता था। भैया भाभी का तो मैं इतना नहीं बोल सकती हूँ, भाभी को एग्जैक्टली थोड़ा बहुत फील होगा कि नहीं, मतलब जो मैं उनके साथ में जितना भी टाइम स्पेंड किया है कि मैंने ये रूम के साथ में कभी बाहर जाना हो या कुछ करना हो, उनके साथ में कभी कुछ शॉपिंग करनी हो या उनको कुछ सजेशन करना हो, ये सब चीज़ों के लिए वो डेफिनेटली मिस करेंगे। और भैया तो जैसे कुछ काम हो कुछ हो तो उस वजह से वो ज़्यादा मिस करेंगे। और ज़्यादातर तो मोहित ही सबसे ज़्यादा मिस करने वाला है, क्योंकि मोहित से सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग मोहित से। अब उसका मेरे साथ से जो ये नाता टूटने वाला है, वो नागपुर जाने वाली, इसकी कमी तो मेरे को कोई कंप्लीट कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो नाता था एक बहन भाई का, बहन भाई से ज़्यादा कुछ एक दोस्त के दोस्त से बराबरी नाता था, क्योंकि मेरी भी कोई भी बात थी मैं उनसे शेयर करता था और वो मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट करती थी। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में सपोर्ट करती थी। और उनके जो जाने के बाद हैं, मेरे को खुद को एक डेवलप पर्सन बनने को तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक साल तो मुश्किल से लग जाएगा, क्योंकि मेरी हर नीड मेरी बहन ही पूरी करती थी और उनके सिवाय कोई पूरी नहीं करती थी, चाहे झगड़े हो या कुछ भी हो। और वो जो झगड़े में मेरी बहन से करता था, जैसे घर से आया मैं, घर से आने के बाद जो बहन को छेड़ना, उसको सताना, वो मेरे को मारती थी, तो ये सब प्यार की जो बातें हैं मेरे को ये तो हर बार याद दिलाएंगी। और अपनी बहन अब दूसरे के घर में जाने के बाद अपना जो अधिकार रहता, अपना तो अधिकार कम हो जाता उस पे से, क्योंकि अब वो दूसरे की घर की बहू बनने वाली है। तो ये बात तो मेरे को तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि मेरी बहन मेरे से इतने दूर जा रही है और ये समय मेरे पिताजी भी नहीं है, तो ये टाइम पे मेरे को सबसे बुरा टाइम जो लगेगा ये टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को मेरे मम्मी का पूरा ध्यान देना ये टाइम पे, क्योंकि मम्मी की एक लाइफ पार्टनर बोल के पिताजी के बाद मेरी बहन ही थी और उनकी कमी उन्होंने पूरी करी। अब इसके बाद मम्मी का जो ध्यान रखना वो सब करना ये जो दीदी करती थी, अब वो काम मेरे को करना पड़ेगा। अब मेरे मन में क्या चल, मेरी गुड़िया चली जाएगी, 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 चली जाएगी। महाकाय सूर्यकोटि समप्त
प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा हुआ था कांच के जैसा
छू लिया तूने तो मैं संवर गया। उम्र में उसको गिनता नहीं मैं, तेरे बिना जो वक्त गुजर गया। जचता नहीं है रंग और कोई मैनू, जब से मैं यारा तेरे रंग रंगदा। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदा, दुआ ना कोई होर मंगदा। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई, दुआ ना कोई होर मंगदा। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ श्रद्धा दीदी। संजीत और श्रद्धा को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से उनके नवे जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजीत जिया जी और श्रद्धा दीदी को शादी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। संजीत एंड श्रद्धा, विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, इनका जीवन बहुत खुशहाल हो, इनके घर में सुख शांति समृद्धि आए। तेरे पाँव में सदा खुशहाल रहो, प्यार की छाँव में संचित खुशहाल रहो, प्यार की छाँव में। नंद
अब मेरे मन में क्या चल, मैं माहौल को एंजॉय नहीं कर सकती भैया, मेरी गुड़िया चली जाएगी। मेरी